मई 2014 के बाद अचानक से डंका बजने लगा दुनिया भर में। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में इंडिया की रैंक 134, ग्लोबल पीस इंडेक्स 2023 में रैंक 126, प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2024 रैंक 159, 2014 के कंपैरिजन में बहुत नीचे गिरी। इंडियन सिटीजनशिप छोड़ने वाले लोगों की संख्या ने सारे रिकॉर्ड्स तोड़ दिए हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स ने खुद ट्वीट करके बताया कि ये झूठी तस्वीर है। टाइम मैगजीन ने ये फोटो छापी, इंडियाज डिवाइडर इन चीफ, और ये कहते हैं कि डंका बज रहा है दुनिया में भारत का। ये कोई देश है? ये कोई सरकार है? ये कोई लोग है? तो आओ यार, अपने कान में ईयरफोन्स डाल लो। क्या डाल भी लिए? बहुत तेज हो रहा है, बहुत तेज हो रहा सालो। खराब शुरू करते हैं बिना किसी बकचोदी के। नमस्कार दोस्तों, कुछ और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। हेलो हेलो एलविश भाई, भाई आपका जर्मन शेफर्ड बार खुला घूम रहा है भाई, उसने कई लोगों को काट लिया यार, जाके पकड़ो ना उसको। अच्छा जी, मरम्मत मांग रहा है, कोई दिक्कत ना, पकड़ते हैं अभी भाई। फिर क्या करना है इसका? क्या करना है, जर्मन शेफर्ड ही तो है, मुश्किल काबू में आऊंगा, पर हमने भी खूब पागल कुत्ते ठीक करे हैं, पकड़ के लाता हूं। अरे हम थोड़ी देर क्या सोगे, हमारा कुत्ता घर में तो निकल गया, और मैंने सुनी लोगों को काट के भी खा रहा है। एक सेकंड का इलाज करते हैं आज। साढ़े क्या है, अरे तेरी रे, खींच के लेके जा रहा। नो मैं नीचे रहे, कभी काबू में नहीं आ रहा तू, देख काबू में नहीं आ रहा। देख लो भाई, जर्मन शेफर्ड कुत्ते पालना बहुत डिफिकल्ट है भाई, बहुत डिफिकल्ट है। देखो हालत देखो इसकी, चुपचाप घर में चल, चल घर में, बहुत देर होगी तुझे, चल। ओ बे क्या करे जा रहे हो यार जी। नाइजीरिया के मिलिट्री हेड ऑफ स्टेट बने और 1999 में डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड प्रेसिडेंट बने। एक स्टूडेंट थे बिंगथा मुथरिका, जिन्होंने मालावी की मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस को ज्वाइन किया और 2004 में ये मालावी के राष्ट्रपति बने। मतलब किस लेवल का इन्फ्लुएंस था यहाँ पर, समझ रहे हो इस बात को। इस तरह के एफर्ट्स के लिए किसी लीडर का विजनरी होना बहुत जरूरी होता है। और दूसरी चीज जिसकी जरूरत होती है वो है एक क्लियर कॉन्शियंस। आपने वो डायलॉग सुना होगा कि जिनके खुद के घर शीशे के होते हैं वो दूसरों पर पत्थर नहीं फेंका करते। यही हाल आज प्रधानमंत्री मोदी ने भारत का बना दिया है। अमेरिका हमारी डेमोक्रेसी पर कमेंट करता है, लेकिन कभी इंडिया अमेरिका पर कमेंट क्यों नहीं करता? जॉर्ज फ्लॉयड को अमेरिकी पुलिस ने इतनी बेदर्दी के साथ मारा। बंद करवाओ यार, बंद करो इन्हें, बंद भी वापस। वीडियो का टाइटल देख के आप लोगों को पता चल गया होगा कि मैं किसके बारे में बात करने वाला हूँ। मैं बात करने वाला हूँ अपने बहुत ही खास दोस्त, बहुत ही मेरे प्यारे मित्र ध्रुव राठी के बारे में। सब लोग जानते होंगे आजकल तो भाई साहब हमारे बहुत फेमस हो रखे हैं, बहुत छा रखे हैं, प्रधानमंत्री से सवाल कर रहे हैं, सरकारों को उल्टा सीधा बोल रहे हैं, बहुत बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें कर रहे हैं और खूब फेमस भी हो रहे हैं, भगवान करे और फेमस भी हो। ये फैक्ट्स के बेसिस पे वीडियोज़ बनाते हैं, सोसाइटी में चल रहे इशूज़ को ये बताते हैं कि क्या इशू चल रहा है और लोगों को जागरूक करते हैं। इनके पास बहुत सारी नॉलेज है और यूट्यूब पे ये मानो ये आदमी सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा है। ये किसी पॉलिटिकल पार्टी से नहीं जुड़े हुए हैं, बिल्कुल न्यूट्रल यूट्यूबर है और हमारे देश को बचाने के लिए ये कुछ भी कर सकते हैं। ये तो सारी होगी इमेजिनरी बातें, आज हम बात करेंगे भाई सिर्फ फैक्ट्स पे। सो ये वीडियो भाई बहुत लंबी होने वाली है, मुझे जहां तक लग रहा है, मुझे अभी पता नहीं कितनी देर की होने वाली है, बट ये बोल सकता हूं ये 30-40 मिनट पार हो जाएगी, तो पूरी वीडियो देखना। इसलिए मैंने वीडियो को ना बहुत सारे अलग अलग पोर्शंस में बांटा है, एक एक करके सारी चीजें देखना। इस वीडियो के अंदर ना ऐसी ऐसी चीजें हैं, अगर तुमने देख ली ना तो तुम कहोगे एलविश भाई तुम ये पॉइंट्स कहां से लेके आए हो। मैं सारे पॉइंट एक एक करके बताने वाला हूं और तुम्हें आ जाएगी मौज, तुम कहोगे वाह भाई तुमने धागे खोल दिए। ध्रुव भाई देखो मेरी वीडियो को उड़वाना मत स्ट्राइक मार के, वो भी मैं चीजें बताऊंगा कि तुम कैसे रिपोर्ट पढ़वाते हो, कौन से तुम्हारे ग्रुप्स हैं व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, टेलीग्राम पे, टेलीग्राम वाले ग्रुप्स तुम्हारे सस्पेंड क्यों हैं, सारी चीजें मैं डिस्कस करके बताऊंगा। बट प्लीज यार, जैसे तुमने मेरा कीवर्ड ब्लॉक कर रखा है, मुझे भी ब्लॉक कर सकते हो, बट मेरी वीडियो को मत उड़वाना है प्लीज भाई। और इंट्रो से पहले मैं एक चीज बताना चाहूंगा कि बहुत सारे लोग अभी तक आ गए होंगे कमेंट सेक्शन में बोलने की एजुकेशन इज इंपॉर्टेंट, हमारे ध्रुव भाई को कैसे बोल दिया, ध्रुव भाई तो बहुत पढ़ा लिखा आदमी है, जर्मनी में पढ़ता है, देश की सेवा के लिए ये करता है वो करता है, तुम गवार हो ये हो, जो भी बोलने आ रहे हैं भाई तुम बोल लो, कोई दिक्कत नहीं है, सारी चीजें क्लियर होंगी, वीडियो को ना एंड तक देखना। तो आज फैक्ट चेक करते हैं मिस्टर ध्रुव राठी का। वाई नहीं जाती, गाजा में जाकर वॉर रुकवाएंगे, अरे रुकवा दो ना फिर। जिस भी इंडियन सॉफ्ट पावर की बात करी है हमने अभी तक वीडियो में, चाहे वो आर्ट हो, कल्चर, म्यूजिक या स्पोर्ट्स हो, इन सब में सरकार की कोई ना कोई इन्वॉल्वमेंट जरूर रही है।
जैसे कि ललित कला अकेडमी की स्थापना 1954 में, संगीत नाटक अकेडमी 1952 में, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा 1959 में, फिल्म इंस्टीट्यूट पुणे 1960 में, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर 1954 में इसरो की स्थापना की। अब जरा बताइए मुझे कि प्रधानमंत्री मोदी ने साइंस, स्पोर्ट्स और कल्चर के लिए क्या किया है। बीजेपी नेता ब्रिजभूषण के खिलाफ यौन शोषण की FIR लिखवाने के लिए हमारे ओलंपिक मेडल जीतने वाले पहलवान सड़कों पर बैठे रहे और जब उसको नहीं रोका जा सका तो साक्षी ने एक प्रोटेस्ट में रेसलिंग ही छोड़ दी। तो मैं अपनी कुश्ती को त्यागती हूँ और मैं आज के बाद कभी भी आपको मार नहीं दूंगा। फिल्म इंस्टीट्यूट पुणे का चेयरमैन बना दिया बी ग्रेड फिल्मों के एक्टर गजेंद्र चौहान को। इस इंस्टीट्यूट की स्टूडेंट पायल कपाड़िया ने अभी 3 दिन पहले पूरी दुनिया में भारत का नाम रोशन किया। प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट किया कि भारत को पायल कपाड़िया पर उनके काम ऑल वी इमेजिन इज लाइट के लिए 77वें कान फिल्म फेस्टिवल में ग्रैंड प्रिक्स जीतने की ऐतिहासिक उपलब्धि पर गर्व है। रवीश कुमार के मैग्सेसे अवार्ड जीतने पर तो प्रधानमंत्री मोदी बधाई नहीं दे सके थे उन्हें, लेकिन अच्छा है कि उन्होंने पायल को कम से कम बधाई दे दी। ये वही पायल कपाड़िया है जिन्हें अपने साथियों के साथ 139 डेज तक प्रोटेस्ट करना पड़ा था, जिनके ऊपर डिसिप्लिनरी एक्शन लिया गया, जिनका ग्रांट रोक दिया गया था। जानते हैं क्यों? क्योंकि नरेंद्र मोदी को अपने चाटुकार गजेंद्र चौहान को इस प्रीमियर इंस्टीट्यूट का चेयरमैन बनाना था। पंडित नेहरू तो दुनिया के सबसे महान साइंटिस्ट एल्बर्ट आइंस्टाइन से बातें करा करते थे, विक्रम साराभाई के साथ बात करते थे, और नरेंद्र मोदी नाली की गैस की चाय बना रहे। एवोल्यूशन का चैप्टर सिलेबस से हटाया जा रहा है। जितना स्यूडो साइंस पिछले 10 सालों में फैलाया इन्होंने देश में, क्या कभी ऐसा देखा गया है? इस तरीके से बढ़ेगी इंडिया की सॉफ्ट पावर? ये है इनके डंके की असलियत दोस्तों। आखिर में एक ही बात कहना चाहूंगा, अगर पंडित नेहरू की बराबरी करनी है तो उनको नीचे खींचने की बजाय अपना लेवल बढ़ाने की कोशिश करो। ये आपके नाम के लिए भी अच्छा होगा और देश के लिए भी अच्छा होगा। लेकिन उल्टा बीजेपी ने किया क्या है पिछले 10 सालों में? बार बार नेहरू। आकाश बैनर्जी के साथ एक इंटरव्यू में हमारे भाई साहब कहते हैं कि ये किसी भी पार्टी से एसोसिएटेड नहीं है। हाँ, लेकिन वो रोड आम आदमी पार्टी तक तो गई नहीं। ये सब झूठ है, ये झूठे आरोप लगाते हैं क्योंकि इनके पास कुछ बोलने को नहीं होता। मैं बता दूं, ये क्लियर कर देता हूं, क्लियर शब्दों में कह रहा हूं, ना मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी का मेंबर हूं, ना कभी था, ना किसी पॉलिटिकल पार्टी ने मुझे आज तक पैसे दिए और ना मैंने किसी पॉलिटिकल पार्टी से आज तक पैसे लिए। जो इसने बनाया था और वो सेम चीज आम आदमी पार्टी के ऑफिशियल पेज ने भी शेयर करा था। जो आम आदमी पार्टी के ऑड इवन स्कीम की एडवर्टीजमेंट के लिए पैसे खर्च हुए थे, ध्रुव राठी ने उसको भी बहुत डिफेंड करा था और बाद में पकड़े जाने पे वो वीडियो प्राइवेट भी कर दी। बहुत बड़े स्केल पे अवेयरनेस फैलाने की जरूरत है अगर इसे सक्सेसफुल होने तो। अब हमारे जैसे ऐसे कितने लोग होंगे जो टीवी और सोशल मीडिया पे ऐसे वीडियोस नहीं देखते होंगे, जिन तक ये एडवर्टीजमेंट्स नहीं पहुंच पाती होंगी। तो जो एडवर्टीजमेंट्स हमें बहुत ज्यादा लग रही हैं, वो शायद उन तक मुश्किल से पहुंच पा रही है। तो इसीलिए मुझे लगता है कि ऑडियन की एडवर्टीजमेंट्स बहुत ही जरूरी चीज है। इसने और भी बहुत सारी वीडियोस को प्राइवेट करा जिनके अंदर इसने आम आदमी पार्टी के जितने भी नेता थे उनके ऊपर जो क्रिमिनल चार्जेस लगे थे उनको व्हाइट वॉश करा, वीडियो बनाई और बाद में प्राइवेट कर दी। 27 जुलाई 2016 को आम आदमी पार्टी ध्रुव राठी भाई को उनके ऑफिशियल मैनिफेस्टो बनाने के लिए इनवाइट करती है और 12 जनवरी 2017 को आम आदमी पार्टी के सोशल मीडिया हेड खुद कंफर्म करते हैं कि ध्रुव राठी जी हमारे भैया, इनकी रिसर्च टीम का एक पार्ट है। अब देखो, रिसर्च की बात आ गई है तो मैं ध्रुव भाई को बोलना चाहूंगा। जैसे बहुत सारे लोग सोचते हैं कि ध्रुव भाई बहुत पढ़े लिखे हैं, इतनी रिसर्च करते हैं, इतनी एजुकेशनल वीडियोस बनाते हैं, तो आप ना उनकी वीडियो के एंड में जाके एक चीज देखा करो, रिसर्च बाय विजेता दहिया, उनके ऊपर भी मैं अभी आऊंगा। पर एक चीज समझ लो, हमारे ध्रुव भाई सिर्फ एक एंकर है जिनको एक स्क्रिप्ट पकड़ा दी जाती है कि लो भाई आपकी स्क्रिप्ट, आपको ये सब बोलना है। इसके अलावा उनका कोई रोल नहीं होता, इनकी पूरी टीम है, टीम के ऊपर भी आएंगे सारी चीजें भाई, बहुत ना अंदर घुस घुस के हाथ दे गए बाहर निकालेंगे। और कोई बदतमीजी वाली वीडियो नहीं, ना कोई गाली गलोच होने वाला इसमें। जो भी कोई एक्सपेक्ट कर रहा हो कि 2020 में तो एलिस भाई गाली बकता था, आप क्यों नहीं बक रहा भाई? बहुत प्यार से सारी चीजें एक एक करके तिनका तिनका जोड़ के भाई तुम लोगों को दिखाऊंगा, बाकी तुम्हारी मर्जी है। अब थोड़ा नहीं, अब प्यार से बात करेंगे। कोशिश करते हुए डंकी का रास्ता अपनाने की कोशिश कर रहे थे और ये कहते हैं कि डंका बज रहा है दुनिया में भारत का। असलियत में दोस्तों ये डंका सिर्फ व्हाट्सएप और गोदी मीडिया के चैनलों पर बज रहा है, फेक तस्वीरें फैलाई जाती हैं। ये देखो, न्यूयॉर्क टाइम्स ने नरेंद्र मोदी का फोटो फ्रंट पेज पर छापा है और उन्हें दुनिया की आखिरी उम्मीद कहा है। न्यूयॉर्क टाइम्स ने खुद ट्वीट करके बताया कि ये झूठी तस्वीर है। इस तरीके से व्हाट्सएप माफिया इंडिया की इंसल्ट करवाता है दुनिया में। गोदी चैनलों पर और बीजेपी के नेताओं के द्वारा कहा जाता है कि रशिया और यूक्रेन की वॉर रुकवा दी इन्होंने, वॉर रुकवा दी पापा, जबकि असलियत में ऐसा कुछ नहीं हुआ था।
extrapolating that to say that somebody is holding a bombing or that you know this is somewhere we are coordinating that I think is तुम्हारे कंटेंट के अंदर हाथ देके ऐसे चीजें बाहर निकाल लेते हैं हमारे जैसे को मेरी एक शिकायत है लोग मेरे को बोलते थे बीजेपी का दल्ला है बीजेपी का दल्ला तो इसको भी कुछ बोलो यार अपना इसको बोलो आम आदमी पार्टी का पिल्ला दल्ला भी नहीं इसको पिल्ला बिल्ला बोल दो मैं खुश हो जाऊंगा इतने में मुझे ये तो लगेगा यार बराबरी तो हो रही है मैं तो काम भी नहीं करता बीजेपी के लिए तब भी भाई साहब हम तो इस नाम से फेमस है भाई तो प्रॉपर टीम में था ऑफिशियल भाई साहब लिखा नाम आता था आम आदमी पार्टी के ऑफिशियल चैनल पे एडिटर ध्रुव राठी मैनिफेस्टो ध्रुव राठी प्रॉपर सीधा सीधा मुकर जाता हमारे ध्रुव भाई इतने बड़े राम भक्त है कि राम जी को करते हैं ये स्पाइडरमैन से एक बार ये वीडियो देखो तुम एक बार वीडियो देखो फिर बोलना मेरे को तो लोग बोलते हैं अच्छा क्योंकि वो ब्रिज एग्जिस्ट करता है इसलिए ये एक्चुअली में हमारी हिस्ट्री है ये कहानी असली में हुई थी लेकिन थोड़ा सा लोग एक लेवल तक ही सोचते हैं उससे ज्यादा डीप नहीं जाते Correct, they won't question थोड़ी डिडक्टिव रीजनिंग अप्लाई करके देखो क्या एक मैनमेड चीज का एग्जिस्ट होना प्रूफ करता है कि पूरी कहानी असली होती है क्या ये वो लॉजिक नहीं हो गया कि स्पाइडरमैन में न्यूयॉर्क शहर दिखाते हैं तो न्यूयॉर्क शहर तो असली में एग्जिस्ट करता है तो स्पाइडरमैन भी असली होगा स्पाइडरमैन भी असली में एग्जिस्ट करता है नहीं होता है दैट्स ट्रू और जितने भी लोग मेरे को देख रहे हैं जितने भी प्राउड हिंदू मुझे देख रहे हैं उनको शायद अपने भगवा रंग पे बहुत ही ज्यादा गुमान होगा बहुत ही ज्यादा वो सोचते होंगे कि भाई भगवा बहुत ही हमारे यू नो हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण कलर है इस्लामिक आतंकवादी उसामा बिन लादेन हाफिज सईद जिन्होंने इस्लाम का नाम खराब किया अब ये सैफरन गमछा ओढ़े छपरी लोग राम का नाम इसी तरीके से खराब कर रहे हैं भाई ये वीडियो देखिए आपने इसमें भाई हमारे सीधे सीधे बोलते हैं हाफिज सईद उसामा बिन लादेन इनका कंपैरिजन किससे करते हैं हमारे भगवा रंग वाले जो लोग ओढ़ते हैं भगवा रंग और कहते हैं कि छपरी है जिन्होंने भगवा रंग पहन रखा वो छपरी है मैं तो ये सोचता हूँ कि भाई जिस धर्म में पैदा हो रखा है इसके माँ बाप जिन देवी देवताओं को पूजते हैं मेरे हिसाब से पता नहीं कौन सी मेंटालिटी रखता है अपने माँ बाप की तो सोच ले भाई उनको भी छपरी बोल दे उन्होंने भी भगवा कलर का पहन के राम जी के आगे हाथ जोड़ दिए ना तो कह दे मेरे घर वाले भी छपरी हैं तब मानेंगे हम तो मुझे लगता है आने वाले टाइम में बोल ही देगा ये कि सब छपरी हैं ये जितने भी ये सैफरन गमछा ओढ़ते हैं भाई हाउ कैन यू कंपेयर ग्लोबल लेवल टेररिस्ट टू पीपल जो गमछा ओढ़ते हैं सैफरन कलर का कह रहे कि ये जो दंगे कर रहे हैं राम जी का नाम लेके और ये हाफिज सईद और ये उसामा बिन लादेन ये बराबर है इसे बोलते हैं भाई साहब ब्रेन वॉशिंग देख रहे हो कितना बड़े क्राइम को ऐसे यूं कर दिया यूं बराबर ही तो है सब बराबर है ध्रुव ऑफिसर हु नेल्ट ऑन हिज नेक फॉर ऑलमोस्ट 9 मिनट्स हिज क्राइम बीइंग एन अफ्रीकन अमेरिकन मैन इन द यूनाइटेड स्टेट्स और ये कोई स्टैंड अलोन इंसिडेंट नहीं था ये रेसिज्म का इंसिडेंट था ये एक सिस्टमिक प्रॉब्लम है अमेरिका में लेकिन क्या आपने प्रधानमंत्री मोदी के मुंह से कोई भी आलोचना सुनी इस इंसिडेंट की क्या उन्होंने कोई कंसर्न जताया कैसे जताएंगे जब खुद के देश का ह्यूमन राइट्स रिकॉर्ड सवालों में रहता है कभी मुसलमानों के खिलाफ नफरत दलितों के खिलाफ अत्याचार किसानों पर डंडे बरसाए जाते हैं उन्हें खालिस्तानी बताया जाता है तो किस मुंह से अमेरिका को कुछ कहेंगे प्रधानमंत्री गाजा में आज के दिन एक जेनोसाइड जारी है 35,000 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं इंडिया की ऑफिशियल पोजीशन वही पुराने वाली है कि पैलेस्टीन और इजराइल दोनों साइड बाय साइड हों सडनली इंडिया हैज लॉन्ग बिलीव्ड इन अ टू स्टेट सॉल्यूशन वी हैव मेंटेन दैट पोजीशन फॉर मेनी डिकेड्स लेकिन अनऑफिशियल पोजीशन ट्विटर पर आप देख ही सकते होंगे इनके नफरती चिंटू वैम्पायर बन चुके हैं जो नरसंहार में मजे ढूंढते हैं छोटे बच्चों की मौत पर लोगों की ट्रेजेडी पर मीम बनाते हैं और नरेंद्र मोदी इंटरव्यू में जाकर कहते हैं वॉर रुकवा दी पापा रशिया यूक्रेन के बाद कहते हैं कि मैंने गाजा की भी वॉर रुकवा दी थी रमजान के लिए भाई कोई पूछो इनसे इतनी ही वॉर रुकवानी आती है तो परमानेंटली क्यों नहीं रुकवा देते इन वॉर्स को रशिया यूक्रेन वॉर आज तक चल रही है इजराइल पैलेस्टीन की वॉर आज तक चल रही है और मणिपुर की हिंसा की तो बात ही मत करो दिस इज माय हंबल रिक्वेस्ट मोदी जी मेरे तरफ से मैसेज देना चाहता हूँ हिंसा हो रहा है मणिपुर में ऑलमोस्ट 1 ईयर हो गया हर दिन लोग मर रहा है और रिलीफ कैंप में कितना लोग रहता है खाना पीना अच्छे से नहीं मिल रहा है बच्चा लोग अच्छे से पढ़ाई नहीं कर रहा है और मोदी जी आप एक बार आके मणिपुर में विजिट कर लीजिए और जल्द से जल्द मणिपुर को शांति चाहिए प्लीज मणिपुर की हिंसा रुकवाई नहीं जाती गाजा में जाकर वॉर रुकवाएंगे अरे रुकवा दो ना फिर जिस भी इंडियन सॉफ्ट पावर की बात करी है हमने अभी तक वीडियो में चाहे वो आर्ट हो कल्चर म्यूजिक या स्पोर्ट्स हो इन सब में सरकार की कोई ना कोई इन्वॉल्वमेंट जरूर रही है जैसे कि ललित कला अकेडमी की स्थापना 1954 में संगीत नाटक अकेडमी 1952 में नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा 1959 में फिल्म इंस्टीट्यूट पुणे 1960 में भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर 1954 में इसरो की स्थापना की अब जरा बताइए मुझे कि प्रधानमंत्री मोदी ने साइंस स्पोर्ट्स और कल्चर के लिए क्या किया है
बीजेपी नेता ब्रजभूषण के खिलाफ यौन शोषण की FIR लिखवाने के लिए हमारे ओलंपिक मेडल जीतने वाले पहलवान सड़कों पर बैठे रहे और जब उसको नहीं रोका जा सका तो साक्षी ने एक प्रोटेस्ट में रेसलिंग ही छोड़ दी। तो मैं अपनी कुश्ती को त्यागती हूँ और मैं आज के बाद कभी भी आपको मानूंगी। फिल्म इंस्टीट्यूट पुणे का चेयरमैन बना दिया बी ग्रेड फिल्मों के एक्टर गजेंद्र चौहान को। इस इंस्टीट्यूट की स्टूडेंट पायल कपाड़िया ने अभी 3 दिन पहले पूरी दुनिया में भारत का नाम रोशन किया है। प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट किया कि भारत को पायल कपाड़िया पर उनके काम ऑल वी इमेजिन इज लाइट के लिए 77वें कान फिल्म फेस्टिवल में ग्रैंड प्रिक्स जीतने की ऐतिहासिक उपलब्धि पर गर्व है। रवीश कुमार के मैग्सेसे अवार्ड जीतने पर तो प्रधानमंत्री मोदी बधाई नहीं दे सके थे उन्हें, लेकिन अच्छा है कि उन्होंने पायल को कम से कम बधाई दे दी। ये वही पायल कपाड़िया हैं जिन्हें अपने साथियों के साथ 139 डेज तक प्रोटेस्ट करना पड़ा था, जिनके ऊपर डिसिप्लिनरी एक्शन लिया गया, जिनका ग्रांट रोक दिया गया था। जानते हैं क्यों? क्योंकि नरेंद्र मोदी को अपने चाटुकार गजेंद्र चौहान को इस प्रीमियर इंस्टीट्यूट का चेयरमैन बनाना था। पंडित नेहरू तो दुनिया के सबसे महान साइंटिस्ट एल्बर्ट आइंस्टाइन से बातें करा करते थे, विक्रम साराभाई के साथ बात करते थे, और नरेंद्र मोदी नाली को पैसा बर्बाद पहन चोर। तुम लोग गलती से अगर नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पे अपने जीजा जी फेंक के मारो या फूफा जी, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। अब मैं भी जा रहा हूं, मुझे मुठिया पेलने जाना है। बाय।